पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये खेल समझिए। बिहार की राजनीति में इन दिनों खूब खेल हो रहा है। खेल मंत्रिमंडल विस्तार से लेकर सीट शेयरिंग तक का खूब हुआ। पिछले 72 घंटों में बिहार की राजनीति में सीट शेयरिंग का मामला तो चल ही रहा है, दूसरे तरफ मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के भी खूब दोहापाती चली। कल देर शाम तक मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चाएं हुई और अंततः मंत्रिमंडल का विस्तार नीतीश कुमार ने करवा ही दिया। वहीं मंत्रिमंडल का विस्तार होने के साथ ही साथ बिहार में जो नए मंत्री शपथ लिए हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी ने जो चौंकाने वाले चेहरे बिहार सरकार के मंत्री में डाले हैं, ऐसे में नीतीश कुमार की परेशानी तो बड़ी ही बड़ी। लेकिन बिहार एनडीए में भी कहीं ना कहीं उन चेहरों को लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं होती रही और एनडीए में कहीं ना कहीं उन चेहरों के साथ साथ बवाल भी होता हुआ दिखा है। सीट शेयरिंग का लिस्ट जो है वो अगले 24 घंटे के अंदर में जारी हो सकता है, क्योंकि आज देर शाम चुनाव आयोग की तरफ से लोकसभा 2024 के चुनाव के तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा। अब ऐसे में चर्चा ये है कि एनडीए कब अपनी सीट शेयरिंग करता है, अगर सीट शेयरिंग करेगा तो किनके मन में प्रसन्नता रहेगी और कौन भागने के फिराक में रहेंगे। अंदर खाने में राजनीति गलियारे के खेल खूब हो रहे हैं। उन्हीं खेल को समझाने के लिए हम बाबा से जुड़ते हैं और पूछते हैं कि क्या मंत्रिमंडल विस्तार शुरू होते एनडीए में बवाल मचेगा, सीट शेयरिंग लिस्ट रिलीज होते क्या कुछ दल फरार हो जाएंगे। चलिए बाबा से जुड़ते हैं और सवाल करते हैं। सबसे पहले बाबा, ये जो चर्चा चल रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार होते एनडीए में बवाल मच गया है, कैसा बवाल मच रहा है? सबसे पहले तो रत्न साहब, जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा था, मंत्री शपथ ले रहे थे, तो वहां आप मौजूद थे, आपने पूरी रिपोर्ट वहां से दिखलाई है और भी बहुत सारी बातें थी। हमने उससे पहले भी जो लिस्ट बताई थी उस लिस्ट में हम अंत तक ये कहते रहे जब तक पूरी तरह से आधिकारिक रूप से नाम अनाउंस नहीं हुआ। हालांकि हमारे पास जो लिस्ट थी करीब 21 लोगों की, उन्हीं को शपथ ग्रहण कराया गया है, लेकिन हम इसके अलावे भी इसके बाद भी ये बात कहते रहे लास्ट तक, जब तक ये आधिकारिक घोषणा नहीं हो गई कि इसमें से एक या दो नाम चौंकाने वाले हो सकते हैं। क्योंकि पिछले 24 घंटे से जो आप देख रहे होंगे माहौल बना था मंत्रिमंडल विस्तार से पहले, कई तरह की बातें सामने आ रही थी, कई बार लिस्ट इधर आया उधर गया, दिल्ली से आया, बातचीत हुई, कभी आप देखे होंगे कि सम्राट चौधरी बात करने जा रहे थे तो कभी दिल्ली में बातचीत चल रही थी। उसके बाद आपने अंततः देखा कि जब जैसे ही सीट शेयरिंग का बात सामने आया, किसी ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया, चाहे वो नीतीश कुमार हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। लेकिन ये मामला कहीं ना कहीं सुलझा हुआ तो नहीं था, इसमें कोई दो राय नहीं। अंततः सीट शेयरिंग का समझौता ये पहली बार ऐसा देखने को मिला है। हो सकता है कि ये स्ट्रेटजी हो भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन सीट शेयरिंग का ये पहली बार ऐसा समझौता ऐसा देखने को मिला है लिस्ट, जो लिस्ट जब तक वहां सभी नहीं पहुंच गए थे, जब तक राज्यपाल नहीं आ गए थे और राज्यपाल से आदेश नहीं ले लिया गया था, तब तक किसी को भी इस बात का, खास करके उन लोगों को जो मंत्रिमंडल का शपथ ले रहे थे, उन्हें तो पता था ही, लेकिन वो भी अपने पत्ता खोलने के लिए तैयार नहीं थे। कई लोगों से हमारी बातचीत हुई है, कई लोगों को हमने कोशिश किया बताने का, पूछने का कि मतलब क्या स्थिति है, तो कोई नहीं बता रहा था। अब इसके पीछे की कहानी आप समझिए कि मंत्रिमंडल विस्तार तो हो गया और मंत्रिमंडल विस्तार का लिस्ट जैसे ही फाइनल हुआ, हर पार्टी के सूत्र होते हैं, बिल्कुल, कल तक ये चर्चा चल रही थी कि प्रिंस पासवान इस मंत्रिमंडल का हिस्सा बनेंगे जी। लेकिन इस मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण से ठीक पहले ये साफ हो गया कि अब पशुपति कुमार पारस और उनकी टीम, इसमें सूरज भान सिंह है, चंदन सिंह है, प्रिंस राज है और अन्य लोग जो हैं, वो मतलब आधी टीम उनके पास रह गई है और आधी टीम उनसे अलग हो गई है। अब आधी टीम लेकर के वो ये दावा कर रहे हैं कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ है, एनडीए में भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ न्याय नहीं किया है, वो पूरी ईमानदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। क्या उस दिन ईमानदारी हुई थी जिस दिन इन्होंने चिराग पासवान को अलग कर दिया था? अब ये आप समझ सकते हैं कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि राजनीति में, सियासत में कोई साधु बनने के लिए नहीं आता है। जी बिल्कुल, ये सारी बातें कह करके उन्होंने ये भी कह दिया है कि 24 घंटे की मोहलत है, अगर 24 घंटे में बातें सुधर, अब क्या बातें सुधरेंगी? अब तो ऑलरेडी मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, जो आपको ऑफर दिया गया था उस ऑफर का टाइम खत्म। बिल्कुल, जिन लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल होना था वो हो गया, तो इसका मतलब सीधा माना जाए कि कहीं ना कहीं
मंत्रिमंडल विस्तार होते एक दल तो एनडीए से चला गया, यानी एनडीए में बवाल शुरू हो गया है। आप बिल्कुल इस बात को ऐसे भी देख सकते हैं कि तेजस्वी यादव जिस चीज का इंतजार कर रहे थे, जी ये हो सकता है कि तेजस्वी यादव की पहली जीत हो। जी एक बात तो आप मान रहे हैं ना रत्नेश, और बिहार की जनता भी मानेगी जी, कि तेजस्वी यादव के पास एक मुश्त 30-32% वोट है। बिल्कुल 32% वोट को जिस दिन वो 40-41% कर लेंगे उस दिन उनकी हर जगह जीत होगी। लेकिन ये बढ़ नहीं रहा, तो इसको बढ़ाने के लिए तेजस्वी यादव ने जो फॉर्मूला दिया है, हालांकि उस फॉर्मूले पर अभी तक काम नहीं शुरू हुआ है, और वही फॉर्मूला जिस तरह से वो कर रहे हैं, वो सवर्णों को साथ साथ लेकर नहीं चल रहे हैं, तो इधर आप देख लीजिए कि यादवों को साथ लेकर नहीं चल रहे हैं। यानी कि पूरी तरह से आप समझिए कि जदयू हो, भाजपा हो, या फिर विरोध में खड़े दल हो, सभी कहीं ना कहीं अपने अपने हिसाब से अपनी चीजें रख रहे हैं। अब सीट शेयरिंग का समझौता, यहाँ तो मंत्रिमंडल के विस्तार होते होते एक दल जो है बवाल करके बाहर निकल गए, ये मान लीजिए कि वो बाहर निकल ही गए। जी जी मतलब ये स्पष्ट हो गया कि अब पारस जो है वो शायद लालू प्रसाद यादव के उस ऑफर को स्वीकार कर लेंगे, जिस ऑफर पर चर्चा काफी चल रही है पिछले 72 घंटों में। जी एक और आपको इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि अब इसके बाद सीट शेयरिंग पर आ जाइए आप। ये आपने पहले ही बता दिया है कि चुनाव आयोग ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, माफ कीजिएगा, आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए समय दिया है, शायद 3 बजे का समय दिया गया है। जी 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 3 बजे का समय है, और 3 बजे चुनाव आयोग डेट जो है वो बता देगा कि कब कब डेट होगा, कितने चरण में चुनाव होने वाले हैं। जी जी तो इसका मतलब सीधा है कि अब तो रणभेरी फूकी जा चुकी है, तो सीट शेयरिंग का समझौता कितना दिन आप टाल सकते हैं। निश्चित रूप से सीट शेयरिंग का समझौता भी आपको लाना पड़ेगा, और जैसे लाइएगा ना वैसे ही कई दल फरार हो जाएंगे, क्योंकि जो हमारे पास सीट शेयरिंग का समझौता आया था, सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला आया था, उसकी चर्चा हम लंबे समय से कर रहे हैं। हमने बताया था कि भारतीय जनता पार्टी 18 से 20 सीटों पे चुनाव लड़ेगी। हमने ये भी बताया था कि 12 से अधिकतम अगर होगा तो 13 सीट या 14 सीट जदयू को मिल सकता है, जिसमें से कुछ सीटें ऐसी होंगी जिसमें भारतीय जनता पार्टी अपना कैंडिडेट उतारेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 2014 में 22 सीटों पे आई थी जीत करके, और अपनी जीती हुई सीटें वो चाहेगी कि बरकरार रहे। जी एक ये रास्ता हो गया। दूसरा रास्ता कि अब इसमें से आप समझ लीजिए कि जो नीतीश कुमार को सीटें दी जा रही है, अगर ये फॉर्मूला तय होता है तो मान के चलिए कि नीतीश कुमार की जो सीटें हैं 12, वो सीटें उनको मिलेंगी, तो दूसरी तरफ 5 सीटें जो हैं वो सीधी तौर पे एक तरह से समझिए कि वो क्लियर हो गया है, वो आधिकारिक घोषणा से पहले ही ये तय हो गया है कि चिराग पासवान को 5 सीटें मिल चुकी हैं, क्योंकि पशुपति कुमार पारस जिस तरह से बवाल कर रहे हैं वो देख करके साफ लगता है। तो ऐसी ऐसी स्थिति में आप देख रहे होंगे कि 35 और 40 सीटें जो हो रही है, इन 40 सीटों में मात्र 2 सीटें बचती हैं। तो 2 सीटें जब बचती हैं तो इसमें से आप 1 सीट हिंदुस्तानी आवाम पार्टी और 1 सीट उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को। जी बाबा, लेकिन ये लोग भी अभी तक शांत है, अभी तक इन्होंने कुछ भी बोला नहीं। जैसे पारस लगातार बोल रहे हैं, माझी की तरफ से कोई बयान नहीं आया, ना ही उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से कोई बयान आया है, तो क्या माना जाए इसको लेकर? सिंपल सी बात है रत्नेश, की संपादक नमन मिश्रा जी से कल हमारी बात हो रही थी जी, उन्होंने जो दिल्ली में तापमान नापा है उसके अनुसार पशुपति कुमार पारस तो जो डील था वो डील से पूरी तरह से अपने आप को अलग कर लिए हैं, तो निश्चित रूप से वो आजाद हो गए हैं। और एक बड़ी पुरानी कहावत है कि खरबूजा को देख करके खरबूजा रंग बदलता है, तो आने वाले समय में ये कहीं से दूर दूर तक नहीं लगता है कि पशुपति कुमार पारस के जाने के बाद, चाहे वो मुकेश सहनी की बात कर लें, वो भी लगातार दिल्ली में डेरा डाले हुए और इस इंतजार में है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई समझौता हो जाए। जो उनका डिमांड है वो भारतीय जनता पार्टी मानने के लिए मजबूर नहीं है और ना उसके लिए उस पर तैयार हो रही है। दूसरी बात जो उपेंद्र कुशवाहा की है, वो चाहते थे कि 2 सीटें कम से कम 3 सीटें उन्हें मिले, लेकिन 2 पर भी वो भरोसा कर सकते थे, सुपौल और काराकट, यहाँ भी पेंच फंसा हुआ है। दूसरा उनके सिंबल की बात कर लें तो अभी तक सिंबल उनके हाथ में नहीं आया है, अगर आ गया होता तो निश्चित रूप से वो जिस तरह से अपनी पार्टी का नाम कई बार चेंज करने के बाद तुरंत आते थे मीडिया के सामने, तो सिंबल मिलने के बाद भी कर सकते थे, लेकिन ये भी अब तक नहीं हुआ है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि उनको अगर 1 सीटें दी जाएंगी तो वो मानेंगे नहीं। उसके बाद जीतन राम मांझी
मंत्रिमंडल में अपना एक सीट मांग रहे थे, उनको उनको भी नहीं मिला। तो इसका मतलब है कि अब एक सीट के जगह पर दो सीट का उनका डिमांड होगा, वहां भी पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मुकेश सहनी का हमने बता ही दिया, तो यानी कि ये तीनों दल जो हैं वो हो सकता है कि जैसे ही सीट शेयरिंग का लिस्ट सामने आए उसको देखें तो ये भी अपने लिए कोई नया रास्ता अख्तियार कर सकते हैं। और दूसरी तरफ आपको पता है कि शिकारी ने जाल बिछा दिया है। अब जाल बिछाने के बाद एक बात तो आपको साफ नजर आता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो भारतीय जनता पार्टी पता नहीं उस बात को सोच पाई है नहीं सोच पाई है, उस पर मंथन किया है नहीं किया है ये हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जितना बारीकी से सब चीजों को देखती है, नीतीश कुमार को लेकर के आई है, तो इसका मतलब बारीकी से देखी होगी। लेकिन जो एक बात हम बड़ी महत्वपूर्ण बताने जा रहे हैं कि नीतीश कुमार के प्रति जो एंटी इनकम्बेंसी है, नीतीश कुमार ने जिस तरह से किया है उन सारी चीजों को लेकर के बिहार के जनता के दिलो दिमाग में कहीं ना कहीं वो बातें अभी भी अंकित है। और खास करके दो समाज, एक अल्पसंख्यक और दूसरा यादव, ये इधर उधर छटकने की बात नहीं है। वैसे भी आ जाएंगे तो लोकसभा चुनाव में कुछ होने जाने को नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि जहां 32% वोट पहले से है, कंफर्म है 32%, नहीं तो 30% मान के चलिए, और 75 से 80% पर जीत हार होता है दोनों खेमे को 75 से 80, कारण की बाकी के दल भी कुछ कुछ वोट काटते हैं जी। तो ऐसी स्थिति में 40 से 41% वोट जिसको आएगा वो जीतेगा जी। निश्चित रूप से एक चीज तो साफ नजर आ रही है और यही खेल हम समझाना भी चाह रहे थे कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद एक दल बाहर हो गया, नीतीश कुमार एक चाचा वहां से हटे तो दूसरे चाचा वहां जाने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो दूसरी तरफ चाचा का हिसाब चाचा फरियाएंगे और भतीजा का हिसाब भतीजा फरियाएंगे जी। यानी चिराग पासवान के विरुद्ध अगर जीतन राम मांझी के पुत्र संतोष सुमन होते हैं, अगर मुकेश सहनी होते हैं, अगर उसके साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा हो जाते हैं, तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं जो कहावत हमारे यहाँ है खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, ये तीनों भी अगर क्विट कर जाते हैं तो इनके लिए भी सुरक्षित है। उड़ती उड़ती खबरें ये मिली थी कि जो राष्ट्रीय जनता दल है वो सभी के लिए पुराने फॉर्मूले के हिसाब से सीट तैयार रखे है, सीटें तैयार है कि तीन तीन सीट इन तीनों को देने के लिए तैयार है। मतलब समझ सकते जी बाबा जी, मतलब एक एक बात स्पष्ट है कि इंडिया गठबंधन भी अब कहीं ना कहीं एनडीए में मचे बवाल का ही इंतजार कर रही थी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। एनडीए में भंडोल होना था, आपको पता है कि इससे पहले इंडिया गठबंधन में नीतीश का हटने से भंडोल हुआ है, हालांकि बहुत मजबूत नहीं हुए हैं, कई ऐसी बातें हैं जिसको आने वाले समय में हम उसका विश्लेषण में बताएंगे, लेकिन वर्तमान जो परिस्थिति बनी है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा ही संतुलित करके जो मंत्रिमंडल का लिस्ट बनाया है उसमें बहुत लोगों को प्रतिनिधित्व दिया है, हालांकि यादवों को पूरी सिरे से नकार दिया है, मुस्लिम को सिरे से नकार दिया है, यानी MY से उसको कोई लेना देना नहीं है, वोट दीजिए या चाहे नहीं दीजिए, जान गई है कि 32% वोट हमको नहीं आना है, बाकी पर फोकस्ड है। तो बाकी पर फोकस है तो ये जो तीन और त्रिदेव हैं जो पारस के बाद बचते हैं ये क्या फैसला करते हैं ये देखना दिलचस्प होगा, और इसी पर आकर के सारा चीज टिका हुआ है। चलिए देखिए, तो कहीं ना कहीं ये राजनीति गलियारे की खेल है कि मंत्रिमंडल विस्तार होते ही कहीं ना कहीं बेचैनी एनडीए गठबंधन में जो घटक दल हैं उनकी सबसे ज्यादा बढ़ चुकी है। आज दिन भर जो भी अपडेट हुआ लगातार भारत लाइव के माध्यम से हम आपको कर देते रहेंगे। फिलहाल खेल समझो में इतना ही, जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखे नी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली, ओजे एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।